Hello friends, welcome to Aisha's Blogs. Please like this video and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. आज मैं बनाऊंगी कैप्सिकम मसाला पनीर. इसलिए जो जो मुझे चाहिए वो है पनीर, कैप्सिकम, टोमेटो, अदरक, जिंजर की पेस्ट, इलायची, प्याज. और जो जो मसाला मुझे चाहिए वो है बेसन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, दही, नमक, शुगर, मेथी, जीरा. ग्राइंडर में प्याज, अदरक, जिंजर की पेस्ट, इलायची को एक साथ पेस्ट कर ली. अब मैं पैन में ऑयल गरम कर ली. इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी. अब मैं डालूंगी पीस की हुई पनीर को. सारे पनीर डाल के मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी. ये मेरी होममेड पनीर है. इसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हो. पनीर अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है. अब मैं और एक पैन में ऑयल गरम कर दी. इसमें डाल दी जीरा. जीरा डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे. फ्राई हो चुकी है जीरा. अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पेस्ट की हुई प्याज. प्याज को अब मैं ऑयल से अच्छी तरह भून लूंगी. प्याज अच्छी तरह भून चुकी. अब मैं इसमें डालूंगी मसाला. पहले मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर. अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर. हल्दी और गरम मसाला पाउडर. अब मैं डालूंगी चीनी, नमक. सब मसाला अब मैं एक साथ अच्छी तरह भून लूंगी. सारे मसाला अच्छी तरह भून चुकी है. अब मैं थोड़ी पानी डाल के थोड़ी और भून लूंगी. अब मैं डालूंगी दही. दही डाल के मसाले के साथ अच्छी तरह भून लूंगी. मसाला अच्छी तरह भून चुकी है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन. बेसन डाल के मसाला के साथ अच्छी तरह पकाऊंगी 4 से 5 मिनट तक. पांच मिनट हो चुकी है. मसाला अच्छी तरह भून चुकी है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी फ्राई की हुई पनीर. अब मैं डालूंगी कैप्सिकम. अब मैं डालूंगी क्यूब की हुई टोमेटो. सब कुछ डाल के मैं अच्छी तरह
मिक्स करूंगी। अब मैं डालूंगी थोड़ी सी पानी, डाल के ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुकी है, पनीर कैप्सिकम सब कुछ अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, डाल के अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स करूंगी। अब मैं ढक के और 2 से 3 मिनट तक पनीर को पकाऊंगी। 3 मिनट हो चुकी है, मेरी पनीर एकदम तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में सर्व करूंगी। बस तैयार हो गई मेरी मजेदार मसाला कैप्सिकम पनीर। आप लोग इसको घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आप लोग को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। Thanks for watching and don't forget to share my videos.